एपिफाइजियल इंजरी, इसमें सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन आती है फाइनल ईयर MBBS के एग्ज़ाम में, ऑर्थोपेडिक्स में। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंजरीज होती हैं जो ग्रोइंग स्केलेटन में होता है, ठीक है। ग्रोइंग स्केलेटन मतलब जिसमें अभी फ्यूजन नहीं हुई है एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस की, जिसमें ग्रोथ प्लेट अभी दिख रही है। अब आता है कि कोई भी इंजरी जिसमें ग्रोथ प्लेट दिख रही है तो वहाँ पर डिफॉर्मिटीज़ बहुत आराम से हो जाती हैं, जिसकी वजह से बोन की ग्रोथ इरेगुलर हो जाती है। शॉर्टनिंग में अक्कर बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर एपिफाइजल क्लोजर, अगर जल्दी क्लोजर हो जाए बोन का तो बोन ग्रो ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगी। सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन क्या है कि एपिफाइजल इंजरीज 5 टाइप्स की बेस्ड होती हैं, जो एक्सरे अपीयरेंस में दिख जाती है। जितना ज़्यादा हायर क्लासिफिकेशन जाएगी उतनी सिवियर इंजरी होगी, और ग्रोथ डिस्टर्बेंस 3, 4 और 5 में ज़्यादा दिखेगी, मतलब 5 टाइप्स हैं, जिसमें पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा थ्योरी में वही सेम सिंप्लीफाई करके बता दूंगी। आपको मैंने बताया था ये एपिफाइसिस है, ग्रोथ प्लेट है, मेटाफाइसिस है, डायफाइसिस है, ऐसे ही सेम ऊपर एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस है। तो टाइप 1 में क्या होता है, ये देखो ग्रोथ प्लेट और एपिफाइसिस अलग है और डायफाइसिस अलग है। टाइप 2 में क्या, एपिफाइसिस और क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट अलग है और मेटाफाइसिस का हल्का सा टुकड़ा टूटा हुआ है, उसको बोलते हैं थर्स्टोन रोलेंड साइन। टाइप 3 में क्या है, जो एपिफाइसिस है वही 2 पार्ट्स में टूटी हुई है और ग्रोथ प्लेट हल्का से जुड़ी हुई है विद मेटाफाइसिस ओवर है। फिर टाइप 4 में क्या है कि एपिफाइसिस भी टूटी हुई है और मेटाफाइसिस भी टूटी हुई है। और टाइप 4-5 में क्या है कि एपिफाइसिस अलग है और मेटाफाइसिस अलग है, ठीक है। तो एक बार ही दोबारा से, टाइप 1 में एपिफाइसिस और ग्रोथ प्लेट एक तरफ, मेटाफाइसिस एक तरफ। टाइप 2 में एपिफाइसिस और ग्रोथ प्लेट एक तरफ और मेटाफाइसिस टुकड़ों में टूटी हुई है। टाइप 3 में एपिफाइसिस टूटी हुई है। टाइप 4 में एपिफाइसिस मेटाफाइसिस दोनों टूटे हुए हैं। टाइप 5 में एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस एक दूसरे से सेपरेटेड एंड देयर इज नो ग्रोथ प्लेट विच इज विजिबल इन बोथ। ओके, नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन इन थ्योरेटिकल फॉर्म। फर्स्ट इज रेडियल नेक एपिफाइसिस सेपरेशन, विच इज क्लोज रिडक्शन, प्रोग्नोसिस इज गुड। 2 इज लोअर नेक एंड ऑफ रेडियस एपिफाइसिस, जिसमें क्लोज रिडक्शन है, प्रोग्नोसिस इज गुड। 3 इज मीडियल मिलस एपिफाइसिस, जिसमें ओपन रिडक्शन है, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज आकर हो सकती हैं। 4 में लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस को ओपन रिडक्शन है, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज कॉमन। एंड 5th इज लोअर टीबियल एपिफाइसल इंजरी, जिसमें कंजर्वेटिव एंड ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज ऑलवेज देयर। तो याद करने के लिए क्या है, पहला इज रेडियस, सेकेंड इज ऑल्सो रेडियस, पहला है नेक का, दूसरा है लोअर एंड, तीसरा है मीडियल मिलस ऑफ द एपिफाइसिस, 4th है ह्यूमरस का, एंड 5th है टीबिया का लोअर पार्ट। And thank you for watching this video. You can take the notes, screenshots.